आज तुम्हें बहुत खुशी है। खुशी इसलिए है तकते क्या महाराज क्या महाराज महाराज आज मैं तो पूरा टट्टी छरप गया हूँ, परंतु एक सोचना सुनाऊंगा तो आप ही गंभीर हो जाएंगे महाराज। बोलो क्या है। इसलिए आप गौर से सुनिए, मेरा जाकर करते हैं वह बहन आपकी नाक कटवा चुकी है। रह गई आगे की बात, नगर महोबा को राजकुमार को आपकी बहन चुरा करके कर्नाटक में ले आई है। स्वयं आपकी बहन नटिन बन करके गई थी, और एक बात सुन लीजिए, तभी मैं छुपा दिया था, नगर महोबा का दो सौकार आपके किला दीप पे चढ़ाई करने वाला है, रुदल और देवा। इसमें आपका क्या विचार है? कहा तो सही बात, लेकिन वही उदला का समय तुरंत मैं पंच कर दूंगा, लेकिन नहीं, वो तो पुजारी है देवी दुर्गा का। परंतु वो पुजारी देवी दुर्गा का है, परंतु मोतिया हाथ में हाथ धर के नहीं बैठा है महाराज। आपके पास भी 14 कोस के रात में नट ही नट है, कितना लड़ेगा कितना लड़ेगा रात। जन्म मोहबा ये पाले ये पाले जब सागतून
सुन लीजिए, जब मैं आगे जाकर के आक्रमण बोलूंगा उसके बाद आप समर में आएंगे। ठीक है, तू जो कहेगा वही करूंगा मैं। ठीक है, चलिए महाराज। लग गया, पहले लाइए एडवांस। कितना चाहिए? मेरा जुगी में लगा है 5 लाख रुपया। अच्छा, अब पैर पकड़ के खींचे उसका दाम है 10 लाख रुपया, और 3 दिन से दारू नहीं पीते उसका नाम है 22 बोतल दारू। अरे ठीक है, जब मैं अपना बेटा की आंखों से देखूंगा कितना इनाम तुम चाहो उतना दूंगा मैं। तो गोली मारिए। 22 बोतल का दुगना कितना हुआ? पैसा नहीं जोड़ो मेरा पास, मेरा मोहब्बा में कोई कमी नहीं है। 22 बोतल का दुगना कितना हुआ? 22 बोतल का दुगना 44 हुआ, 44। उसको गिनती कीजिए, आप लोग हैं ना गवाही। चलिए महाराज, आपके ऊपर में 44 बोतल दारू हुआ वो तो शांति दीदी से हम तसल लेंगे। आप चलिए, परंतु सुन लीजिए। क्या? आपको बेटा को अपने आंखों से देख करके आया हूँ, मेरा नाम मत बोलिएगा। वहाँ कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? नहीं तो आपसे पहले गरीब आदमी का गला कट जाएगा। मैं तो दोनों तरफ का दुदुसिया बन चुका हूँ, क्या करूँ। अच्छा, परंतु सुनिए, पहले बॉर्डर पर चलिए, मैं जब बोलूंगा आक्रमण तो आक्रमण कीजिएगा। ठीक है, तगमा पहनाइए। क्या? तगमा पहनाइए खुशी में। तब तक अपना बेटा को मैं आंखें सात बोल दिया, न ठोकर के राजा को साथ छोड़ करके आपके साथ बचाइए। नहीं नहीं, आपका बेटा कहा? मैं तुम्हारा मार दूंगा। कहा? मैं ख्यार कर मारूंगा। वही भट्टी बहुत लुका जाएंगे। हाँ, वो कैसे भागता? तगमा पहनाइए, सब बात सुनिए। तगमा पहना दीजिए, आपको बेटा मिल गया। क्या बोल रहा है? हम आज तैर गली थक माफियन। जनता समाज 85-80 को तगमा दे रहे हैं, कहियो पेल के नहीं चढ़ी छी। कारण कारण क्या है? तुमने चढ़ता मंच पर इसलिए मेरे गुरु का आज्ञा है कि हैकल पहन करके मत चढ़ना बेटा। अच्छा ठीक, चलो। राजा का काम है मोती पहन करके चढ़ना है, कल नहीं। महाराज चलिए मेरे साथ आप। चलो चलिए राजन। ये मोहो बाका जुआन वो चलता बोलिया।
बचिया, आक्रमण की समय आ चुकी है, आप भी लगमत होइएगा, मैं आपका साथ हूँ। बचिया, मैं विलम्ब होता हूँ, इसीलिए 14 कोस के राज में नट है, वही नट पर कोई अकार्बन अगर हो जाए ये राजा को जीना मुश्किल। ओ महाराज, देखिए तो कितना नट खड़ा है चारों दिशा में लाठी करके। मैं जानता हूँ कितना खड़ा है, सब नट में ना खड़ा है। नट तो खड़ा है, मैं जान लिया उस नट पर अकार्बन होगा, ये छतरी का तो अकेला क्या करेगा, उदला उसको कुदला बना देंगे। नहीं, नहीं, मैं जानता हूँ उधर क्या है, उसके पास में अमर भगवती देगा है, सब कुछ है, माँ दुर्गा उसके पास तैयारी है। परंतु आपके पास भी मैं जानता हूँ कि आपका दोस्त पिता भोमासुर है, तो आप डरते कहे हैं? सही बात, मेरे पिताजी मारा कहा बेटा, कोई अगर कारबड़ी अगर हो जाए तो मेरे दोस्त है भोमासुर जंगल में, जा करके उसके तुम्हें शरण लेना, कोई ऐसा भी हो उसको जिंदा नहीं छोड़ सकता है वो। सही बात, सही कहा, तो आप डरे का है, अब बैठिए, जब बोलूंगा सर आइए।